दिल्ली के कुतुब विहार गोयला डेरी 71 स्थित न्यू सैनिक पब्लिक स्कूल में 18 दिसंबर 2022 को सामान्य स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कैंसर स्क्रीनिंग सहित अन्य जांचें भी की गईं। राजीव गांधी कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र की ओर से आयोजित किए गए इस शिविर में तमाम लोगों ने हिस्सा लिया। जानकारी के मुताबिक करीब 182 लोगों ने इस शिविर का लाभ उठाया। राजीव गांधी कैंसर केयर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर के वरिष्ठ डॉक्टरों ने महिलाओं के पैप स्मीयर सैंपल की जांच की। महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के बारे में भी जागरूक किया गया और सेल्फ ब्रेस्ट जांच की तकनीक सिखाई गई। वहीं सभी पुरुषों की मुंह, गले और प्रोस्टेट कैंसर की जांच की गई और उन्हें मुंह और फेफड़ों के कैंसर के बारे में भी जागरूक किया गया। जांच में कुल 26 लोगों में ओरल ल्यूकोप्लाकिया पाया गया, जिनमें से 16 लोगों को इस बीमारी से संबंधित दवाएं वितरित की गईं। यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप सिंह ने लोगों को प्रोस्टेट कैंसर की जानकारी दी। वहीं चेयरपर्सन जयंती सिंह द्वारा किशोरों और महिलाओं को लगभग 300 सैनिटरी पैड वितरित किए गए। शिविर का संचालन संकल्प के स्वयंसेवी ऋतु अधिकारी ने किया। राजीव गांधी कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र की टीम और डॉक्टर बी के सिंह कार्यकारी निदेशक और सहयोगी सलाहकार न्यूरोसर्जरी के सहयोग से शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। आपको बता दें कि संकल्प कैंसर केयर फाउंडेशन यानी SCCF एक नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मिशन जनता को विभिन्न प्रकार के कैंसर के संकट और विभिन्न प्रकार के कैंसर के लिए समय पर जांच करना है। ब्यूरो रिपोर्ट।